द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को दे वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त बढ़ा जाना प्रस्तावित करता हूँ। एक अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा, मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से कट। और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता उनको। 25,000 से लगाए 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑनलाइन सर्विस के लिए तो उनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑनलाइन सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना, तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में वहाँ की उस वक्त की स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम है, फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी, मासिक 2,000 से 10,000 प्रतिमा। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है, तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय सभी माननीय सदस्यों को